आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मिहिर भट्ट। और बाजार खुलने से पहले ही और एक बड़ी खबर दीपाली, आज सुबह हम बात कर भी रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रहेगी, और अब देखिए जो खबर आई है उसके चलते आई थिंक बैंकिंग विल बी द ड्राइवर फॉर द मार्केट। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार कब तक इस पर जो फाइनल कदम है वो उठाती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आज बाजार खुलने से पहले बड़ी खबर बैंकिंग स्पेस पर, SGX निफ्टी चाहे कहीं भी हो, लेकिन आज आपको नजर रखनी चाहिए निफ्टी बैंक पर। ये आज डेफिनेटली मार्केट का डायरेक्शन तय करेगा। और इनफैक्ट आप सुबह कह भी रहे थे कि मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है, एक इंजन की जरूरत है। अगर वो इंजन का काम बैंकिंग स्टॉक्स ने किया तो डेफिनेटली आज एक अच्छा मूव या फिर आने वाले सेशंस के लिए एक अच्छा ट्रिगर मिल जाएगा। देखिए हम इतने समय से हमने जितने भी बड़े जानकारों से बात की है, कल भी आप देखिए निफ्टी बैंक जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास ही घूम रहा था, और उन सभी जानकारों की एक राय है कि अल्टीमेटली अगर मार्केट्स को परफॉर्म करना है तो फिर उसके लिए ये जरूरी है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो चले, और हमने उसमें काफ़ी डाइवर्जेंस देखा था। सो वी हैड प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जिसमें कुछ बहुत अच्छे आउट परफॉर्मर्स थे, PSUs वर लैगिंग बिहाइंड, PSU में मिड कैप में हमने सिलेक्टिव तेजी देखी थी। लेकिन ये एक तरीके से जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए कर सकता है, एंड टू सम एक्सटेंट अब मार्केट में जो रनअप देखने को मिलेगा या फिर बैंकिंग स्टॉक्स में, उसमें ये डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के बीच का। एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि PSU बैंक्स कुछ समय के लिए लीड करें निफ्टी बैंक को। बिल्कुल ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि PSU बैंक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन सेटअप अच्छा है पूरी बैंकिंग को लेकर, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग की भी अब तक के जो अर्निंग्स आए हैं वो मोर और लेस बेटर ही रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ICICI बैंक, जहां पर कमेंट्री पॉजिटिव आई और उसका एक सडन स्ट्रांग रिएक्शन हमने कल के सेशन में भी देखा। अभी इंडिकेटिव एक्शन में नए हाईस पर 9400 के ऊपर, निफ्टी 9420 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 61 पॉइंट्स की बढ़त है। सेंसेक्स में भी 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिख रही है, और जैसे हमने भी डिस्कस भी किया, अगेन आज का जो सपोर्ट इंजन रहेगा मार्केट्स के लिए वो रहेगा निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स, और ज्यादातर सरकारी बैंक और साथ ही साथ जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो पॉजिटिव बायस के साथ ही शुरुआत में ट्रेड कर रहे हैं। रुपए की ओपनिंग भी हुई है, उसे भी देख लेते हैं। 6418 के मुकाबले रुपया 6422 पर खुला है, यानी एक मामूली कमजोर ओपनिंग यहाँ पर फिलहाल रुपए की हुई है। 6422 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं।